फरीदकोट तो अकाली भाजपा के उम्मीदवार गुलजार सिंह रणीके की नामजदगी करवाउण पहुंचे सिकंदर सिंह मलूका ने मीडिया के सवालों का जवाब दिंदिया कांग्रेस से तिखे वार किए। मलूका ने कहा कि इस बार वोटों के नतीजे हैरानीजनक आएंगे, तुसी देखो पंजाब विच 2002 तो 2007 तक कैप्टन साहब ही मुख्यमंत्री सी, उस समय कांग्रेस के मुकाबले विच ना कोई पार्टी सी अते ना ही कांग्रेस ने लोगों लई कुछ गलत किया, फिर भी अकाली दल ने 11 सीटों उत्ते बहुत वड्डी जित हासिल की। मलूका ने दसिया कि हुण हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, इस बार कांग्रेस ने विकास के सारे काम बंद कर दिए, अकाली दल भाजपा वालों चलाई गई सारिया स्कीमां भी बंद कर दी, जिस करके पंजाब के लोग कांग्रेस के प्रति बगावत से उतर आए हैं। इस बार अकाली भाजपा वालों 2004 वाला ही इतिहास रचिया जाएगा। देखो जिहड़ा हालात बिल्कुल ही बदले हुए हैं, जिहड़े तुसीं पिछलियां असैंबली चोणां की गल करते हो उदों तां पोजीशन है जिहड़ी बिल्कुल डिफरेंट है सारे पंजाब दे विच ही। अकाली दल की बहुत वधिया बीजेपी अकाली दल की जिहड़ी चोण मुहिम बहुत वधिया चलदी है, बहुत वधिया उत्साह मिलता है पिंडां च वी ते शहरां दे विच वी। तुसीं वेखोगे कि रिजल्ट हैरानीजनक आउणगे। तुहानूं मैं याद करा दिया 2002 तो 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री सीगे, तो उस वेले कांग्रेस की चढ़ाई भी बड़ी सी, कोई बगावत भी है नहीं सी, दबदबा भी बहुत सी, सरकार दे कोले कोई नैगेटिविटी भी नहीं, जिवें हुण है करज़ां तो मुकर गए, नौकरियां तो मुकर गए, फोनां तो मुकर गए, सघन स्कीम तो मुकर गए, हर चीज़ तो ही मुकर गए, बल्कि बहुते काम इन्होंने बंद करते, बगावत बहुत वड्डे पैमाने ते कांग्रेस की। 2004 च भी अकाली दल बीजेपी ने 11 सीटां जीतियां सी, ते मैनू लगता कि उही इतिहास दोबारा दोहराएगा पंजाब 19। राजा बड़िंग बारे बोलदिया मलूका ने कहा, राजा बड़िंग मैनू दस दे कि गिदड़बाह जितने तो बाद उसने किन्ने गरीबों के घर में रोटी खाधी है, असल में राजा बड़िंग वोटों के लिए यह सब ड्रामा कर रहा। मलूका ने कहा कि असी काम करते हैं, कांग्रेस वाले पखंडबाजी हैं। नहीं, गरीब सारे ही जाने, असं भी गरीब घर के हर बंद ने हर वोटर को जाना ही है, जोड़ा वो रोटी खाने का किया वो तो टोटल ड्रामा है। देखो तुम वेख्या होना चूल्हे च अग तो कोई बचती नहीं, अगर तत्तियां रोटियां लाइया, जो अग ही नहीं मचती रोटियां कहते तत्तियां ला लिया, सो ड्रामेबाजी का कोई फायदा नहीं होंगे। जित के पुछो राजे बड़िंग भी तुम किन्ने घर के बाद रोटी खा के आए गिदड़ वे, एक घर नहीं दस सकता, तो फिर पखंडबाजी नहीं करते, असं काम करते हैं, वो पखंडबाजी करते हैं, इलेक्शन च भी झूठी सहु खा गए गुटका साहब की, वह सज़ा देंगे लोग। चकदे टीवी जुड़े रहने साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो।